शहर के श्री गौशाला की बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए मंगलवार से पूर्व पार्षद तथा नागरिक सतर्कता समिति के उपाध्यक्ष मंजीत सिंह हुड़ा की ओर से शुरू की गई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की एक टीम आंदोलन स्थल पर पहुंची तथा भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व पार्षद मंजीत सिंह हुड़ा के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। गुरुवार को शहर के कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। उधर गुरुवार को गौशाला भूमि प्रकरण को लेकर नागरिक सतर्कता समिति, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों, पूर्व पीसीसी सचिव पारस पंच तथा नगर परिषद सभापति गोविंद पंडित ने उपखंड अधिकारी राहुल जैन से मुलाकात की। एसडीएम जैन से की गई मुलाकात के दौरान पदाधिकारियों ने गौशाला भूमि प्रकरण की जानकारी देते हुए शीघ्र ही उक्त भूमि को उन्हें श्री गौशाला के नाम करवाने की मांग की। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व पार्षद मंजीत सिंह हुड़ा की उम्र का हवाला देते हुए शीघ्र ही प्रकरण में उचित कार्यवाही करने की भी मांग की। वार्ता के दौरान उपखंड अधिकारी जैन ने सकारात्मकता दिखाते हुए जिला कलेक्टर से वार्ता कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। वार्ता के दौरान आईपीएस डिप्टी सुमित महरडा भी उपस्थित थे। ब्लॉक उपखंड अधिकारी से वार्ता करने वालों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, नागरिक सतर्कता समिति से राधा वल्लभ माहेश्वरी, विपिन अग्रवाल तथा चेतन भट्ट आदि शामिल थे।